कैसे हो आप? घर पे सब ठीक ठाक? ठीक ठाक। तो ये बताओ पहले आप कितने टाइम से काम कर रहे थे? और 2-3 साल से काम कर रहा हूँ मैंने। अच्छा, तो कहाँ दिक्कत हो रही थी आपको? मैं तो फॉल फाइनिंग नहीं कर पाता, छोटा मोटा काम कर रहा था पहले और क्लियर हो गया। तो आईसी का काम मालूम नहीं था मेरे को, इधर आके आईसी का काम क्लियर कर देता हूँ। आईसी का काम? तो अब जैसे अब मान लो अगर सर कोई मदरबोर्ड है तो आईसी निकाल के लगा दोगे दोबारा से? तो मतलब सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है किस चीज में होती है आपको? वो जो फॉल्ट फाइंडिंग है ना, जो आप फाइंड नहीं कर सकते ना, जो भी मोबाइल को आगे रिटर्न जाता है दुकान से। अच्छा, वो अच्छा नहीं लगता मेरे को। इसके लिए मैं वीडियो देखा ही देता है, मेरे को अभी क्लियर इजी में सब कर लेता हूं। इजी हो रहा सारा कुछ? चलो ठीक है, आप बैठो। कैसे हो आप? ठीक। घर पे सब ठीक है? हां सर ठीक। तो कितने टाइम से पहले आप काम कर रहे हैं? 7 साल से। 5 साल से। एक इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा सभी को जो भी देख रहा हो, 5 साल बहुत एक लंबा टाइम होता है भाई। 5 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद में नई नई टेक्नोलॉजी आती है और आदमी को अपडेट होना पड़ता है। तो जो भाई ऐसे हैं कुछ जो 3 साल से, 4 साल से, 10 साल से लगे पड़े और वो सोचते हैं कि काम जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसे काम नहीं चलेगा आगे। अभी आप देख रहे होंगे कि 4G है, 4G के बाद अब 5G आ गया। अभी सुनने में आ रहा है कि जनवरी या फरवरी में 6G का भी मैटर होने वाला है। अब जब 6G का मैटर होगा तो 6G फोन आएंगे, तो उनके नेटवर्क कैसे करोगे? अब पहले क्या था सागर सर, पहले सिंगल बैटरी आती थी, सिंगल बैटरी कनेक्टर। अब आजकल के जो फोनों में डबल बैटरी कनेक्टर आ चुकी है। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो अपग्रेड तो हर किसी को होना पड़ेगा। अब अपग्रेड आप किस माध्यम से हो रहे हैं वो तो आपको पता होगा, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जो भाई इंस्टीट्यूट के पास में अवेलेबल हैं, वो नई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो हार्डवेयर है या कुछ भी है, तो आपको अपडेट तो होना पड़ेगा। अब ये भैया हैं जैसे बता रहे थे कि मैं 5 साल से काम कर रहा था लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा या कोई दिक्कत होती थी कहीं कहीं? दिक्कत होती थी सर, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन बना रहा था तो उसमें लाइन ट्रेस करना थोड़ा दिक्कत होती थी, क्योंकि अंदाजे ही काम कर रहे हैं। तो आपको गुस्सा भी तो आता होगा कभी कभी, ऐसे कि कस्टमर दुकान से वापसी जा रहा और वो वापसी जाके वही फ़ोन किसी और से बनवा रहा है? और उसने मैं आया सर यहाँ पर, क्योंकि मेरे एक दूसरा एक बंदा दूसरे एक दुकान पर देके वो बना लिया, तो मैंने बोला तेरे से नहीं हो रहा है फोन, तो किसी से मतलब बुरा लगा जब लगा सागर सर का जो हैंड प्रैक्टिस है ना बहुत अच्छा, वो वन ट्रिक की काम होता है इनका सर, एकदम एक शॉट में अभी तक ट्रिक पता हो गया। अच्छा, तो कुछ दिक्कत नहीं है, ड्यूअल टेकर, ब्लैक पेस्टर, व्हाइट पेस्टर सब कुछ हो जाता है एक ही शॉट में। पहले तो करता था लेकिन उसका अंदर का प्रिंट निकल जाता था, कुछ दिक्कत नहीं है। तो मतलब कई बार किसी कस्टमर के फोन भी खराब किए होंगे? हो गया सर, वो तो लेकर भी आए बनाने के। तो आप बना दूंगी। कहाँ से हो? उड़ीसा से। उड़ीसा वाले वाले भैया को क्या बोलोगे आप? हाँ, यहाँ तो आना पड़ेगा उनको, क्योंकि उसी का तो काम तो अच्छा नहीं कर पाते, अपडेट होना पड़ेगा। हाँ, अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी उस दुकान से दे जाता लेकिन मेरे भी फोन खराब करके छोड़ दिया। तो मैं चाहता हूँ यहाँ आके थोड़ा तो नॉलेज लेना पड़ेगा सर। अपडेट हो जाओ, कस्टमर के फोनों को खराब मत करो, सही होता तो करो, अगर नहीं होता तो नॉलेज ले लो, कहीं से भी ले लो, तो अपडेट तो भाई होना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है सर, आप बैठिए। ओके।